हेलो ऑफ ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप लोगों को मिश्रा क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंपल इंटरेंस के ही पार्ट 3, साधारण ब्याज का ही पार्ट चैप्टर हमारा है। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज पर काफ़ी दो पार्ट हमने बना दिया है वीडियो, और आप लोग को बीच जल्द ही आज डाल देंगे पार्ट 2 भी। हम 3-1 चला गया है। आज हम बात करेंगे पार्ट 3, PART पार्ट 3। पार्ट 3 में हम ऐसे क्वेश्चन चेकेंगे जो एग्ज़ाम से बहुत ही खास रिलेटेड रहे हैं, बहुत ही खास संबंध रखते हैं एग्ज़ाम से। और हमारा ये नया जो है टॉपिक है, और टॉपिक में नए नए सवाल मिलेंगे आपको, और ये मैंने किताब उठा लिया है। अब आप टॉपिक से रिलेटेड ही बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक ना? और बिना देर किए ही चलते हैं टॉपिक पर तुरंत, और सवाल तुरंत लिखेंगे और तुरंत सॉल्व किया जाएगा, ठीक? और आप देखते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से, 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से, दर से 8 माह तक का मैं शुद्धन ज्ञात कियो, का 8 माह तक का मिश्रधन ज्ञात की रहो। मिश्रधन ज्ञात 8 माह तक मिश्रधन ज्ञात करो, ठीक? देखिए, और ये टॉपिक ही बहुत ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बोला है 8 माह तक, अगर हमने बताया था कि महीनों में है तो हम 12 से डिवाइड करते हैं, महीनों को हम 12 से डिवाइड करते हैं। चलिए पहले मूलधन लिख लेते हैं। पी बराबर आपको दिया गया है, पी बराबर आपका दिया है 6,000 रुपये, ठीक है, हो गया। और आर बराबर जो रेट दिया है वो है आपका 6%, ओके, ये भी हो गया। अब दिया है 8 माह, टी बराबर समय जो है आपका 8 माह दिया है, समय जो किया है 8 माह, टी बराबर 8 माह, 8 माह ये समय है। तो 8 को 12 से डिवाइड कर देते हैं, पहले 8 को 12 से, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2/3 क्या मिल गया हमको, 2/3, ठीक। अब हमको मिश्रधन ज्ञात करना है, मिश्रधन हम बाद में निकालेंगे, पहले हम ब्याज निकालेंगे। मूलधन तो हमें मालूम है, मिश्रधन से जोड़ देंगे। साधारण ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर फार्मूला लिख देते हैं, SI, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। SI बराबर मूलधन कितना है, इस बार मूलधन हमारा है 6,000 रुपया, लिख देते हैं 6,000 गुणे दर कितना है, 6% है, इसको लिख दीजिए। समय, समय हमारा दिया है 2/3, समय कितना दिया है हमारा दोस्तों, 2/3, 2/3 पूरे 100, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं इसको जो है, 2 0 2 0 से काट देते हैं, 2 0 2 0 से कट गया हमारा, 2 0 को 2 0 से उड़ा दिए ना। अब यहाँ पर कितना बचा, 3 2 जा मार दो 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और 4 में यहाँ पर 6,000 था, 1 0 और लग जाएगा, यहाँ पर 6,000 है, 6,000 है, ठीक। तो इसको थोड़ा सा फिर से लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 6,000 है, 6,000 है, 1 2 कट गया, 1 0 बचा, 4 4 6 24, 24 और कितना बच गया हमारा, 240। ये हमारा क्या आ गया, SI, SI बराबर 240। हमसे पूछा क्या है, मिश्रधन, मिश्रधन क्या करते हैं,
मिश्र धन पूछा है, ए बराबर पूछा है, ए बराबर हमसे पूछा है मिश्र धन, तो एस आई प्लस मूलधन। एस आई मतलब साधारण ब्याज और प्लस मूलधन। साधारण ब्याज 600 रुपये है और मूलधन कितना है हमारा 240। 6000 है साधारण ब्याज सॉरी, और प्लस 240 बराबर 6240 रुपया, 6240 आंसर है यही। ठीक, एकदम सिंपल तरीके से लगाया गया क्वेश्चन को, देखिए और नोट कर लीजिए आप। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा क्वेश्चन। वीडियो बहुत ही खास बना रहे हैं, आप लोग देखते जाइए और अच्छा लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। ठीक, चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला वीडियो साथ बने रहिएगा, इसको रेस्ट करते हैं हम और बनाते हैं अगला वीडियो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम रेड पेन से थोड़ा। क्वेश्चन है 3200 रुपए पर, क्वेश्चन नंबर दो, 3200 रुपए पर 4 अप्रैल ए पी आर आई एल 4 अप्रैल 2012 से, 2012 से 16 जून जे यू एन ई 16 जून 2012 तक 2012 तक 5% वार्षिक दर से, 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज ज्ञात करो। ठीक, साधारण ब्याज ज्ञात करो। ठीक ना, क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से है, 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक 5% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, वार्षिक है साधारण ब्याज ज्ञात करना है आपको। तो पहला हम निकालते हैं क्या मूलधन हमारा, पी बराबर कितना दिया हुआ है, पी बराबर 3200 रुपये है। आर बराबर देख लेते हैं, आर बराबर है 5%, तो इसको भी लिख दीजिए। समय टी बराबर, समय टी बराबर पहले देखते हैं, समय देखिए, अगर 4 जून में हम 4 अप्रैल में अगर हम चार तारीख से दिया गया है तो वहाँ 26 बजेगा, अप्रैल 30 का महीना होता है, तो 26 हो गया अप्रैल ए पी आर आई एल अप्रैल, मई जून जे यू यानी जून, तो यहाँ पर 26 बचेगा, 4 दिन निकल गया है अप्रैल में, मई पूरा है, 26 प्लस 31 प्लस जून में 16 गया है, और कितना बचा है जून में, अप्रैल मई जून, जून अप्रैल मई, मई जून, जून जुलाई। ठीक है, अब 16 चला गया है इसमें से, तो 30 में से 16 गए, 30 में से 16 गए, 10 में से 6 गए, 4 दो में से 1 14, 26 31 14, 6 6 7 7 7 4 11 की 6 6 4 10 10 11 बच रहा है, और यहाँ 16 6 12 12 4 18 हो जाएगा, तो 26 31 और 16 जून 2012 तक का, 16 जून तक लेना है। ठीक, यहाँ पर 16 जून ले लेते हैं। ठीक, अब 16 और 26 और 31 अब ब्याज 6 6 12 13 13 से लगा 1 3 2 5 6 7 इसको जोड़ेंगे पूरा 73 दिन 73 डेज हो गया। 26 दिन आपका अप्रैल में था, मई पूरा ले लिए और 16 जून तक ही बोला है, तो 16 लिख लिए। ठीक, अब हम पहले निकाल लेते हैं क्या ब्याज पूछा है, तो एस आई बराबर क्या होता है,
एस आई बराबर मूलधन पी गुड़े आर गुड़े पी बटे 100, यही होता है हमारा। तो एस आई बराबर पी हमारा कितना दे रखा है इस बार, इस बार पी हमारा दे रखा है 3000 रुपया, लिख देते हैं 3000 गुड़े आर, आर दे रखा है हमारा 5%, 5 हो गया। समय, समय आपको 73 दिन मिला है, कितना मिला दोस्तों 73 दिन, और 73 दिन को हम 365 से डिवाइड करते हैं, 365 से 73 का नाम 73, 73 पंजे 365, तो कितना मिल गया हमारा, ये मिल गया हमारा 1/5, 1/5 बटे 100, 20 से 20 काट देते हैं पहले, 5 से 5 गया, कितना बचा हमारा 30, कितना बचा 30, लेकिन यहाँ पर 3200 है, सॉरी क्वेश्चन में 3200 दिया है, तो यही 3200 रुपये होगा, कितना होगा 3200 रुपया ब्याज, ब्याज ठीक। समझ में रहा, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जाम से रिलेटेड ही है, सब ये सब प्रश्न बहुत ही खास हैं, और ऐसा ही साधारण ब्याज का सभी प्रश्न हम आपके सामने रख रहे हैं, और आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए, अच्छे से पढ़िए और अच्छी अच्छी से तैयारी कीजिए, ठीक है। और चलिए अगला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर दीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। यहाँ पर IMP लिख देते हैं ताकि लगे आपको भी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कह रहा है साधारण ब्याज की किस दर से, क्वेश्चन है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज की किस दर से, साधारण ब्याज की किस दर से, साधारण ब्याज की किस दर से, किस दर से कोई धन कोई धन कोई धन 5 वर्ष में कोई धन 5 वर्ष में कोई धन 5 वर्ष में 5 वर्ष में अपने का दुगुना हो जाएगा, अपने का पाँच वर्ष में अपने का गुण अपने का दुगुना अपने का दुगुना अपने का दुगुना हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पर जो 5 दिया गया है, आप सीधा सीधा 1/5, 1/5 कोई धन अपने का दुगुना, दुगुना बोला है तो 5/100 किस दर से, दर मतलब परसेंटेज, 100 5 × 10 20% दर से दुगुना हो जाएगा, ठीक। और एक धन 10 वर्ष में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन और देखते हैं, और बहुत ही बेस पे ही लगवा रहे हैं सवाल, और देख ले रहे हैं अभी, और क्वेश्चन है इस पर, आप ये वाला कम समझ में आएगा तो अगला समझ लीजिएगा, सब क्वेश्चन हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, हम हैं वीडियो में तो हो जाएगा पूरा, आप देखते रहिएगा। एक धन 10 वर्ष की वार्षिक ब्याज की दर से, एक धन 10% की वार्षिक ब्याज की दर से, 10% की वार्षिक ब्याज की दर से
कितने वर्ष में चार गुना हो जाएगा? कितने वर्ष में चार गुना हो जाएगा? कितने वर्ष में चार गुना हो जाएगा? कह रहा है कोई धन, एक धन 10 वर्ष की वास्तविक ब्याज की दर से कितने वर्ष में चार गुना हो जाएगा? यहाँ पर एक फार्मूला बनता है, सब सूत्र सूत्र लिखिएगा। ऐसे सवालों में आप क्या करेंगे, समय, यहाँ पर समय लिख दीजिए, बराबर गुना -1/10 गुणे 100। चलिए समय कितना दिया हुआ है, समय नहीं दिया हुआ है, गुना कितना दिया हुआ है, 10 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में चार गुना हो जाएगा, चार चार गुना यहाँ लिखेंगे, चार में से एक जाएगा 3 हो जाएगा, दर रखा है 10 और गुणे 100, 1 0 1 0 काट दी, 10 3 30 वर्ष। ये ट्रिक है दोस्तों, इसको ट्रिक पर लगाएंगे आसानी से लग जाएगा, ठीक ना। गुना -1 चार गुना है तो यहाँ पर 3 गुना हो जाएगा, दर 10 हो गया गुणे 100। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पर आधारित वेस्ट पर, और बहुत ही खास होने वाला है वीडियो में, और समझते रहिएगा आप लोग भी। क्वेश्चन है देखिएगा, कह रहा है एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दुगुनी हो जाती है, क्वेश्चन नंबर 5। एक धन राशि, एक धन राशि 20 वर्ष में अपने की दुगुनी हो जाती है, अपने की दुगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में अपने की चार गुनी होगी? तो कितने वर्षों में, तो कितने वर्षों में अपने की चार गुनी, अपने की चार गुनी हो जाएगी, ऐसे सवाल में दोस्तों यहाँ पर एक फार्मूला बनता है, T1 upon T2 बराबर M1 -1/M2 -1। T1 पहला समय दिया है 20 वर्ष, T2 नहीं पता लिख देते हैं, और M1 -M1 और यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है M1 -1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और M2 -4 गुनी है तो 3 गुनी, दूसरा समय 3 गुनी, तो T2 T को T ऐसे तो गुणा करेंगे, T2 बराबर हो जाएगा 20 से 60 वर्ष। ठीक, अपने की 4 गुनी हो जाएगी, ऐसे सवाल को आसानी से आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दुगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी? तो T1 पहला समय है, T2 दूसरा समय है, M1 -1 M2 -1। तो T1 पहला समय दिया है 20 वर्ष और दूसरा नहीं दिया है, T2 लिख दिए, बराबर अपने की M1 -1 पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर
एक गुनी घट जाएगी तो तीन गुनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 60 वर्ष हो जाएगा। दृश्य दृश्य ठीक, थैंक यू।